बाद फंक्शंस होते थे, इतना मज़ा आता था। क्लास छोड़ के ग्राउंड में जाते थे, बैठते थे, फंक्शन देखते थे, और पढ़ाई ना करने की और क्लास ना होने की कितनी खुशी होती थी। ये बात तो तूने सही की यार, जब पढ़ाई नहीं करनी होती थी ना, लाइक जब ग्राउंड में आते थे पढ़ाई छोड़ के, कितना मज़ा आता था यार। खासकर जब हमें बुलाने आते थे कि आपको ग्राउंड में बुलाया गया, तो यार कितना अच्छा फील होता था यार पढ़ाई छोड़ के जाने में। कितना सही था ना यार स्कूल में इंडिपेंडेंस डे के दिन लड़कियां देश रंगीला पे डांस करती थी, और हम लड़के लोग छपरी लोग लड्डू और केले के लिए खड़े रहते थे। सही में यार क्या दिन थे वो, मैं आज भी अपने स्कूल के दिन मिस करता हूँ। और खासकर हमारे पीटी वाले सर, वो कैसे इंग्लिश वाली मैम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, और इंग्लिश वाली मैम उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी, और हम उन्हें कितना चिढ़ाते थे इंग्लिश वाली मैम के नाम से। वैसे तूने कभी इंडिपेंडेंस डे के दिन स्कूल के फंक्शन में डांस किया है किसी, मतलब जैसे नॉर्मल सॉन्ग्स पे करते रहते थे लड़के लड़कियाँ, तूने किया कभी? मत पूछ भाई मत पूछ, एक बार मैंने डांस किया था, उसके बाद से आज तक डांस नहीं किया, क्योंकि मेरी पैंट खुल गई थी स्टेज के बीच में, और अजीब बात यह है कि मैंने चड्डी भी नहीं पहनी थी उनको। ओह नो, हंस मत यार, बहुत ऑकवर्ड फील हुआ होगा, बहुत इंसल्टिंग फील हुआ होगा, बहुत एम्बैरेसिंग था वो। वैसे तुझे याद है स्कूल में जब हम इंडिपेंडेंस डे के दिन फंक्शन में डांस करते थे, तो एक बहुत आइकॉनिक गाना था जो लिटरली हर साल बजता था इंडिपेंडेंस डे पे, वो देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंग, ये वाला तुमने सुना है? देश रंगीला, मुझे पता भी नहीं है गाना कौन सा, मैंने नाम भी नहीं सुना। तुझे देश रंगीला गाना नहीं पता? अरे इतना आइकॉनिक गाना है यार। नहीं मुझे नहीं पता। क्या क्या वाह क्या सुहाना, क्या क्या तू पाकिस्तानी है ना? क्या मतलब, मुझे पता ही था साले देशद्रोही है, देश रंगीला के बारे में नहीं पता इसे, इसे फांसी पे टांगो यार इसे, कोई फांसी, पागल पागल हो गया है क्या, चूतिया वूतिया है क्या यार।